कुछ हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अब तो बड़े हो गए, लेकिन अभी भी उनको ऐसे लगता है कि जी अगर मैं सो गई रात में तो कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी. अच्छा, कंसल्टिंग जिस हमने उनको काफी जगह दिखाया भी, तो हुआ ये कि वो वहाँ से जो है कि स्लीपिंग पिल्स वगैरह, अब यह है कि स्लीपिंग पिल्स लेने के बावजूद भी कुछ कंडीशन ऐसी है कि या तो वो रात में उठ जाती हैं या स्लीपिंग पिल्स को अवॉइड कर. तो इस सिचुएशन में आप प्लीज बताएं कि क्या करना चाहिए. और जाहिर है जब आप पूरी नींद नहीं ले पाते, सुकून आपको अंदर से नहीं मिलता, आपकी बॉडी की नींद तो जरूर है, वो एक जरूर है. तो अब ना आपके ऑर्गन सही से काम करते हैं, आप खुद चिड़चिड़े हुए होते हैं, परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते ऑफिस में. घर में अगर आप हैं तो घर के लोगों से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, तो बेख्वाबी या नींद की कमी की वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम्स लाइफ में हो सकती हैं. और डॉक्टर साहब, मसला कुछ ये है कि मेरी एक बहन है, उसकी जो है वो शादी हुई भी है, तो अब उसकी अपनी एक न्यूक्लियस फैमिली है, वो वहाँ रहती है, तो अब उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो उसको वहाँ से भी बुला लेंगी. मैं समझ गया आपकी बात. फोन करके कहेंगी कि आ जाओ, फिर उसको यहाँ पर स्टे करने के लिए जाने नहीं देंगी रात में, फिर रोक लेंगी. तो अब उसकी एक फैमिली, आपको पता है कि अगर एक न्यूक्लियस फैमिली हो तो फिर अपनी जिम्मेदारियाँ उसकी होती हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है. यासिर, मैं आपको बता दूं क्या करना चाहिए. चलो यासिर, थैंक यू वेरी मच यार. कभी कभी घर के बुजुर्ग ऐसी स्टेज पे भी पहुंच जाते हैं कि उन्हें ये वो बेचारे बच्चे को बच्चों की तरह हो जाते हैं ना, उन्हें नहीं पता चलता कि वो अपने बच्चों के लिए खुद क्या प्रॉब्लम हो रही है. थोड़ा सा समझना है. एक और कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद फौरन आप दोनों के जवाब बात दे दीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब, मैं आबिद बात कर रहा हूँ. कौन बात कर रहे हैं? आबिद बात कर रहा हूँ. आबिद, आबिद जी जी. डॉक्टर, मुझे जरा एक सवाल पूछना था कि बिफोर एग्जाम ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह से नींद का जो शेड्यूल जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, तो एग्जामिनेशन हॉल में बड़ी प्रॉब्लम होती है और प्रिपरेशन में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से रिजल्ट जो है बहुत डैमेज हो जाता है. तो इस बारे में जरा सवाल पूछना था कि अगर कुछ ऐसी एग्जाम टेक्निक्स पता चल जाए कि किस तरीके से नींद को प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए. चलो मैं बताता हूं. ओके, थैंक यू अबे, थैंक यू वेरी मच. देखिए, पहला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था यासिर का. प्रॉब्लम नींद का नहीं है, प्रॉब्लम एक वहम की बीमारी है इनकी मदर को कि अगर मैं सो गई तो मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा. ठीक है, तो इलाज नींद का नहीं करना, इलाज वहम का करना है. अच्छा, अब तक ये नींद का इलाज करते रहे. वहम अपनी जगह है, वहम में इतनी ताकत है कि दवाइयों के बावजूद बीच में आपको उठा देगा. इतनी ताकत होती है वहम के अंदर. ठीक है, तो अब इनको करना ये है किसी माहिर नफ्सियात से इलाज कराएं वहम का. और वैसे भी वहम का इलाज हो सकता है, जरा टाइम लगता है. हो सकता है उनको कोई साइकिक हो जाए, वहम का इलाज ठीक हो जाए तो नींद खुद ब खुद आ जाएगी. ये नींद का प्रॉब्लम, छोटी सी ये भी तो चीजें चेकआउट करनी चाहिए ना कि जब हमारे माँ बाप कोई एक उसमें से नहीं रहता, एक है तो वो वैसे ही साथी अपना अपने आप को बहुत तनहा फील करने लगता है. फिर जब एक आदमी को एक बूढ़े को एहसास होता है ना कि यार मैं दुनिया के लिए बेकार हो गया हूँ, अब ना मैं अपने बच्चों के किसी काम में मैं बैठा हूँ, उस पलंग पे बैठा हूँ, ये बस ये देख लेता हूँ, वो जो फीलिंग है वो बहुत किलिंग होती है आपके अपने. शाइस्ता, सबसे बड़ी चीज है जो आजकल ये खौफ पैदा हुआ है ना वालिदैन को, खासकर बुजुर्गों को, वो टीवी पे आप रोज जब न्यूज देखते हैं बम ब्लास्ट हुआ इतना, हाँ। ये खौफ उनको आना शुरू हो जाता है कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए. क्या करें, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है. तो अब बाज दफा ये जहन पे चिपक जाता है, और जब चिपक जाता है और वहम बन जाता है, तो फिर एक साथ थे वो 22 साल नहीं सोए, आपको पता है 22 ईयर्स ही कुड नॉट स्लीप. वाइफ डॉक्टर, खुद आर्मी के अंदर एक बड़ी सीनियर पोजिशन पे, आवाज बंद हो गई, ट्रॉमा था, उनकी आवाज बंद हो गई. जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन करवाने के लिए बाहर भेजा, उनकी आवाज वापस आ गई, नींद वापस ना आई, 22 ईयर्स तक वो शख्स नहीं सोया. ओह माय गॉड, अल्लाह गवाह इस बात का जो मैं बता रहा हूं. अगर आप इसकी स्टोरी सुने ना, आपकी आंख में आंसू आ जाए. हाँ, किस कर्ज से वो गुजरा है 22 साल. कहता है ट्रैंक्विलाइजर ले लूं तो जाहिर है फिर तो बेहोश हो जाता था, मगर अगर वैसे अगर मैं लेटू और एकदम से मेरी आंख खुले तो वो अपने दरवाजों को खोल के बाहर निकल चीखता हुआ बाहर निकलता था वो. और मैं एक छोटा सा वो पढ़ी थी तो उसमें मैंने देखा कि जी क्लिंटन और बुश जो है वो पता नहीं साल असार उनका लिखा था कि वो कितने कोई 5 घंटे की रोजाना जब बंदे वर प्रेसिडेंट तो स्लीप लेते थे. ओबामा वो वाहिद प्रेसिडेंट है जो पूरे 7 घंटे की स्लीप लेता है. तो मुझे हैरत हो रही थी कि यार देखिए हर बंदे का वो एक अलग होता है चीजों को लेने का. ये आराम से यूएस प्रेसिडेंट को काले को पता है. नेपोलियन जो है, नेपोलियन कई दिन तक नहीं सोता था. वो अपने घोड़े पे जब घोड़ा चल रहा होता था, बैठे बैठे वो एक डिप करता था, आंखें बंद करता था, और विद इन फ्यू मिनट्स वो जागता था, उसकी नींद पूरी हो जाती थी. ही कुड रिमेन अवेक फॉर डेज. अब ये सलाह होती है कि अगर किसी तरह आप कुछ मोमेंट्स के लिए उस डीप स्लीप को एक्सपीरियंस कर लो तो आपको 8 घंटे की सोने की जरूरत नहीं है. मगर हमारी कुछ इनॉटमी और फिजियोलॉजी ऐसी है
कि हमें बाकी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, उसमें 6-6.5 घंटे लगते हैं, तब जाके हम डीप स्लीप पे पहुंचते हैं। बहरहाल दूसरा इनका सवाल है स्टडीज का। अब यहाँ पे भी देखें, इनकी नींद का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये कि एंग्जाइटी, बेचैनी होती है जब इम्तिहान की तैयारियां कर रहे होते हैं, पता नहीं रिजल्ट क्या आएंगे, पेपर क्या आएंगे, ये तमाम सोच आपके जहन को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, उसकी वजह से आपकी नींद चली जाती है। अब टेक्निक बता दूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ी काम, खासकर एग्जाम के दौरान जो एंग्जाइटी होती है, और इस टेक्निक को अम्माएं भी इस्तेमाल कर सकती है, ऑफिस गोइंग पीपल, प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव, कोई भी कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कमरे में दाखिल होते हैं, इंटेंशन आपकी होनी चाहिए कि मुझे सोना है। इंटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नियत करें कि मुझे सोना है, ठीक है, आंखें बंद करें, किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जो फजूल हो, जिससे आपका कोई ताल्लुक ना हो, अगर वो नहीं होता फिर ये टेक्निक अप्लाई करें। पहले आप कोशिश करें कि फजूल चीजों के बारे में सोचें। जीएमपी के नाम बिल्कुल ना सोचिएगा, नहीं जीएमपी में बिल्कुल ना सोचिएगा, आपसे बड़ा गहरा ताल्लुक है जीएमपी का। तो आप उसके बाद आप ये टेक्निक करें, आंखें बंद करके जब आप देखें नींद नहीं आ रही, तो एक तो नींद से लड़ना बंद कर दें, ठीक है, अक्सर जहन में ये सोचें नहीं आए तो क्या हुआ, एक रात जाग लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरू करें, जहां टेंशन खत्म हो गया कि नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, वहां नींद आपको आना शुरू हो जाती है, उसके बाद ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली क्रॉनिक इंसोम्नियक के लिए है, टेक्निकली वर्ड इज इंसोम्नियक। इमेजिन करें कि आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट कलर का बोर्ड है, पहले जमाने में ब्लैक बोर्ड होता था। अच्छा, ये गारंटी टेक्निक है जो एक शख्स होजे सिल्वा ने बनाई थी, और अमेरिका में लाखों आदमी इस टेक्निक से सो गए। अच्छा, और उसके बाद कई मेडिसिन, ट्रैंक्विलाइजर, स्लीपिंग पिल्स कम हो गई मार्केट में। नहीं, गोरों के अजीब ही प्रैक्टिस थे, डॉक्टर क्लब बनाते हैं, वो स्लीपिंग क्लब बनाते हैं, बिल्कुल बनाते जी। अब आपने एक बोर्ड लिया, व्हाइट बोर्ड, इमेजिन किया व्हाइट बोर्ड, लेना नहीं है बता दूं, इमेजिन करना है, तस्वुर में करना है, और उस बोर्ड के दरमियान एक दायरा बना हुआ है गोल, इमेजिन करें एक दायरा बना है, ठीक है, उस दायरे के अंदर एक एक्स बना है, एक्स तो दायरा, दायरे के दरमियान एक्स बनाए। अब आपने स्टार्ट करते हुए इमेजिन करना है कि आपके हाथ में एक इरेजर है, और एक्स को आपने इस तरह मिटाना है कि दायरा खराब ना हो, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो चार टांगे हैं दायरे की, हाँ। ऐसे उसको आपने मिटाना है, एक्स मिटाना, एक्स मिटाना, सर्कल तो नहीं मिटाना, एक्स मिटाना मगर सर्कल डैमेज ना हो, ठीक है। जब एक्स मिट जाए, उसके बाद आपने सर्कल के दरमियान 100 लिखना है, ओके, उसके बाद उसको इरेज करना है, और सर्कल के बाहर राइट साइड पे इमेजिन करना है सर्कल है, इसके राइट साइड पे बाहर लिखना है डीपर, उर्दू में गहराई, ठीक है, डीपर लिखा, फिर वापस 99 लिखा, मिटाया, डीपर के ऊपर वापस डीपर लिखा, ये गहराई के ऊपर आपने गहराई लिखा, फिर 98 लिखा, 98 को मिटाया, फिर डीपर के ऊपर डीपर लिखा, गारंटीड ये है कि 80 तक नहीं पहुंचेंगे आप सो चुके होंगे, इंशाल्लाह ही सो ही चुके होंगे, इतना बोरिंग काम जब होगा तो सो ही चुके होंगे भाई आप।